इंस्टाग्राम रील्स पे ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। किसी के कैपकट जो है ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा और किसी के जो है टेम्पलेट वर्क नहीं कर रहा। आप लोगों को करना क्या होगा, ना तो आपको कैपकट डाउनलोड करना है, ना ही आपको टेम्पलेट को यूज़ करना है। ऐसा वीडियो आप सिंपल तरीके से बना लेंगे। देखो सिंपल आपको करना क्या होगा, वीडियो को जो एंड तक देखना, स्किप मत करना, पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, वी एन ऐप को डाउनलोड करना है। वी एन ऐप के अंदर आपको ब्लर इफेक्ट नहीं मिलता, तो अपन को वी टाइप मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल फ्री ऐप है, ठीक है। जब आप वी टाइप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, आपको यहाँ से अपनी वीडियो को ऐड कर देना है, ठीक है। आप जब अपनी वीडियो को यहाँ ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड म्यूजिक का, पहले आप इसको पहले टर्न ऑफ कर देंगे, ठीक है। फिर आप ऐड म्यूजिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप म्यूजिक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो का सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको इंपोर्ट फ्रॉम एल्बम पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया जिससे आपको ऑडियो लेकर के आना है, जो ट्रेंडिंग में साउंड मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं उसको यहाँ से लेकर के और यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके और यहाँ से मैं इसको प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लूँगा। अब जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर आना है, थोड़ा सा और आगे आना है, यहाँ पर अपनी वीडियो कट कर देना है, ठीक है। एक आपको बीट उठा हुआ मिलेगा, एक बीट यहाँ उठा हुआ मिलेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, रेड कलर में। तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे और आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको स्प्लिट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सिंपल क्या करना है, अपन को यहाँ से जो अपन को एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट वाला, इस पर क्लिक करेंगे। फिर अपन को यहाँ पे फेस इफेक्ट और एक इफेक्ट मिलेगा, तो अपन इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा अपन को आगे आना है, ठीक है, किस जगह आना है, अपन को बिलिंग वाले ऑप्शन पे आना है। बिलिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे, अपन को हेलो ब्लर मिलेगा, यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे और एडजस्ट पे क्लिक करके आप इसकी सेटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बिल्कुल फुल कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगेगा, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब आपको क्या करना है, इसको जहाँ तक अपने वीडियो को स्प्लिट किया था वहाँ तक अपन को इसको ऐड करना है, ठीक है। अपन यहाँ स्प्लिट किया था अपनी वीडियो को, तो यहाँ अपन इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना और अपनी वीडियो को यहाँ से जो है एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से अपनी वीडियो को सेव कर लेना, आपके जो है वो गैलरी में आ जाएगी। जैसे ये सेव होगी, इसके बाद आपको जो वी एन ऐप के अंदर इसको ऐड करना है, वो कैसे करना है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब इसके बाद आपको जो है वी एन ऐप को ओपन करना है। इसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसके बाद सिंपल क्या करना है, प्लस के ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पर जाने के बाद अभी जो अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को यहाँ लेकर के आ जाना है। जैसे वो वीडियो यहाँ आ जाएगा, इसके बाद आपको ओरिजिनल पर जाना है, आपको टिकटॉक वाले नैन वाले रेशियो को ऐड करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर साउंड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक लाइन उठी हुई मिलेगी, दो लाइन, इसके बाद यहाँ पर भी लाइन उठी मिलेगी। यहाँ पर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है साउंड है, ठीक है। अपन को क्या करना है, वाटरमार्क को पहले डिलीट कर देना। वाटरमार्क डिलीट करेंगे तो पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर, इसके बाद अपन को जो लास्ट वाली लाइन है इस पर अपन को स्प्लिट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर फिर लास्ट वाली लाइन मिलेगी, इस पर भी अपन को स्प्लिट कर देना है। इसके बाद इधर भी स्प्लिट कर देना है और यहाँ पर इसको भी आपको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, अपन को अपनी वीडियो पे यहाँ से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर लाइट वाला, आप इस पर ऐड कर देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर आप वापस से इसमें लाइट वाला ऐड करना। फिर आप हर एक प्लस वाले ऑप्शन पर आपको लाइट वाला इफेक्ट यूज़ कर लेना है, जैसे कि अभी तुम देख सकते हो अपन यहाँ से ऐड कर रहे हैं। अब जहाँ से आपने ऐड करेंगे तो अपना जो वीडियो है वहाँ पे कुछ इस तरीके से बहुत ही मस्त लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अपन वापस साउंड को म्यूट कर देना है। फिर अपने को टैप टू ऐड म्यूजिक पे जाना है, फिर अपन को म्यूजिक पे जाना है। फिर आपको इसके बाद क्या करना है, प्लस के ऑप्शन पे जाना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे जाना है और इसके बाद ओके कर देना है। और यहाँ से आपको जो उसी का साउंड वापस से ऐड कर देना है जो अपन ने वहाँ पर ऐड किया था, ठीक है। अब यहाँ से इसका साउंड जो है आ चुका है, जैसे तुम देख सकते हो, ठीक है। अब अपना वीडियो जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा और बहुत ही मस्त अपना वीडियो लगेगा, जैसे कि तुम देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसके अंदर भाई वही इफेक्ट आना चाहिए और उतना ही स्लो मोशन होना चाहिए, तो आपको एक काम करना होगा, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, उसमें जो टेम्पलेट की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैंने बताया है, आप उस वीडियो को जाकर देख लेना। या फिर आपको अगर बिल्कुल क्लियर वाला वीडियो चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड मतलब उस वीडियो को जाके देख लेना। बाकी मैंने आपको ये बिना कैप कट के बताया है और आपको मैंने ये बिना
किसी वाटरमार्क के बताया है, ठीक है, किसी बिना टेबलेट के बताया है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी इस वजह से, ठीक है। और अगर आप लोगों को बिल्कुल वैसा ही वीडियो चाहिए जो इंस्टाग्राम पे वायरल चल रहा है, साउंड तो यही वायरल चल रहा है, लेकिन मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया, आप इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। अगर आपको वैसा चाहिए तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लेना। बाकी इस वीडियो में यही था, इसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना अपनी वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।